दुबई में गिरफ्तार महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को लेकर दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द भारत सरकार उसे भारत प्रत्यर्पित करेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जल्द से जल्द ऑनलाइन जुए सहित कई मामले दर्ज किए जाएंगे। नहीं, बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली इंटरपोल सभी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट जारी करती है। तो जिस ज्यूरिसडिक्शन में जो व्यक्ति संबंधित रहता है, जिस पुलिस के उसमें अरेस्ट किया जाता है, वो पुलिस ही अपने रूल्स के मुताबिक, अपने लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई करती है। इसके लिए एक प्रोसेस रहता है जो कि एक सरकार दूसरी सरकार के बीच संधि के अकॉर्डिंगली और एक न्यायालय की रिक्वेस्ट पर दूसरे न्यायालय में पेश किया जाता है। तो इसके संबंध में जो भी दस्तावेज हैं वो विभिन्न एजेंसीज द्वारा, जहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जहाँ CBI है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक जिस्ट बनाकर न्यायालय को पेश किया जाता है। फिर न्यायालय उसकी अनुमति देती है उसको आगे भेजने के लिए। तो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें प्रत्यर्पण भी कार्रवाई की जाएगी। रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी फरार आरोपी को किसी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में डिटेन करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जारी किया जाता है, उसके बाद ही प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू होती है। कोशिश रहेगी यथाशीघ्र हो, क्योंकि बाकी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन हैं और न्यायालय प्रक्रिया होगी, तो इसमें कोई डेडलाइन इसमें निर्धारित नहीं। और विभिन्न तरीके के केसेस हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के भी हैं और अन्य विभिन्न IPC के धाराओं के भी केसेस।